tema pre. So esta cuestión de hoy yo apre sería hoy apre dos tres vacíos de. Utar no puedo dar otra condición. लेखक ने पुराना दौर बेचे देने का विचार क्यों किया? लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? तो लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मूले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था। इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी की कमरे से स्थान पर एक गारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंट लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की मां ने सहदेव तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? लेखक की बूढ़ी माँ को कौन दिखाई देता है? लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाए। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोए नहीं थे, पर आज घर बेचने की बात को लेकर भी रो रहे थे। इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी उनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है। घर न बेचने के लिए निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ था? घर बेचने के निर्णय को लेखक की माँ के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अदृश्य गुरु देवता की प्रशंसा का वर्ष हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, कहा था तुम्हारा चैप्टर 6 बेटरों का वाला प्रश्न, ते आपने पूर्ण करिए। आभार। वस्तु